बता दें आपको, अश्विनी वैष्णव को अहम जिम्मेदारियां इस बार की सरकार में दी गई हैं और अपने इस वक्त दफ्तर में बैठ चुके हैं अश्विनी वैष्णव। आपको बता दें कि रेल के साथ साथ में सूचना प्रसारण का भी मंत्रालय दिया गया है इस बार अश्विनी वैष्णव को, और आप देख सकते हैं कि इजाफा किया गया है, प्रमोशन आप कह सकते हैं मोदी 3.0 में अश्विनी वैष्णव का। दो महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को मोदी 3.0 में सौंपा गया। याद होगा आपको, जब रेल हादसा हुआ उड़ीसा में तो वहां पहुंचे थे अश्विनी वैष्णव 3 दिनों तक, जब तक ट्रेन दोबारा चलनी नहीं लगी थी तब तक वहीं पर बैठे थे। उस दौरान काफी चर्चा में आए थे अश्विनी वैष्णव, दिन रात वहां पर बैठे रहे और उस ट्रेन हादसे के दौरान एक अलग छवि बनकर उभरी अश्विनी वैष्णव की। तब से अश्विनी वैष्णव का नाम सुर्खियां बटोरता रहा और जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन हो या तमाम ऐसी उपलब्धियां, उसमें अश्विनी वैष्णव ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। देखिए अश्विनी वैष्णव इस वक्त दफ्तर में अपने, अश्विनी वैष्णव को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, राज्यसभा के सांसद हैं गुजरात से, लेकिन मूल रूप से रूट्स राजस्थान के, और देखिए दिल्ली में अपने दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मंत्रालय, दो महत्वपूर्ण विभाग मोदी 3.0 में मोदी के तीसरी बार शपथ के साथ इनको दिए गए हैं। कल के दिन सूचना प्रसारण और रेल, जिसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में इन्फॉर्मेशन हम कायाकल्प होते रेलवे का देखेंगे, उसमें अश्विनी वैष्णव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण, साथ साथ में सूचना प्रसारण का भी एक बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। दफ्तर पहुंचे पदभार संभालने के लिए ये तस्वीरें।